आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूँ जानवी। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ ऐसा चैलेंज जो अभी तक मैंने नहीं किया अपने चैनल पे, 1 आवर नेल ग्रोथ चैलेंज। मुझे एक व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि उनको 1 घंटे में नेल ग्रोथ बढ़ानी है, तो आज मैं 1 घंटा नहीं सिर्फ आधे घंटे में, आपने हाँ सही सुना, सिर्फ आधे घंटे में आपको बताऊंगी कि अपने नेल्स की ग्रोथ आप कितनी फास्ट कर सकते हैं सिर्फ आधे घंटे पे। तो इसीलिए इस वीडियो को अब आप कहेंगे कि आपके नेल्स तो ऑलरेडी बड़े हुए हैं, सिर्फ आपके लिए मैंने अपने सारे नेल्स कट कर दिए हैं। बहुत ही आपको शॉकिंग रिजल्ट मिलने वाला है और आप शॉक भी हो गए होंगे बिकॉज मैंने अपने सारे नेल्स कट कर दिए हैं। सिर्फ आपके लिए मैंने अपने सारे नेल्स कट कर दिए। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी अपने नेल्स कट करके, रेमेडी अप्लाई करके और जो मैंने हैक बताया है आधे घंटे पे, और मैं टाइमिंग वाइज भी दिखाऊंगी कि आपको फुल प्रूफ मिलेगा कि कितनी टाइमिंग में क्या प्रोसेस हुआ। सिर्फ आधे घंटे में आपकी नेल्स ग्रोथ बहुत ही फास्ट होने वाली है। और मेरी तबीयत अभी भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मेरा वॉइस आप देख सकते हैं कैसा आ रहा है, फिर मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। तो प्लीज बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, यूज कीजिए और लाइव रिजल्ट देखिए आपके नेल्स की ग्रोथ सच में कितनी बढ़ने वाली। स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। कर देगा, मैंने नेल्स ऑलरेडी कट कर दी हैं, ये नेल्स मैंने कट कर दिया है, ये वाला भी मैंने नेल्स कट किया है और ये नेल्स भी मैंने कट कर, आप देख सकते हैं मेरे नेल्स बड़े हुए हैं इस हैंड के भी और इस हैंड के भी। तो इनको भी मैं आपके सामने काटूंगी और 1 ही घंटे के अंदर आपके सामने मैं नेल ग्रोथ बढ़ा के दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने नेल्स ये कट कर दिया है आपके सामने, इसलिए कट किया है बिकॉज आपको लगता है कि बहुत लोगों का कमेंट आता है कि आपके नेल्स असली हैं या नकली हैं, फेक नेल्स हैं, बट ये मेरे रियल नेल्स हैं। आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने कट कर दिया और अभी तक मेरा ये नेल्स नहीं टूटा था, फिर भी मैंने आपके लिए काट दिया है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने नेल्स कट कर दिया है, ये 20 वाली फिंगर का नेल्स था। देख सकते हैं सारे नेल्स कट कर दिए हैं आपकी आंखों के सामने ही, मैंने अपने सारे नेल्स कट कर दिए। आप अपने नेल्स आधे घंटे में, हाँ सही सुना, आधे घंटे में कैसे बढ़ा सकते हैं, तो अभी मैं बताने वाली हूँ। टाइमिंग आप देख सकते 16:40 हो रहा है, 16:40 का मतलब है 4:00 आपको दिख रहा होगा, 4:40 हो चुका है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ, आधे घंटे हम सिर्फ ये प्रोसेस करने वाले हैं। और ये आपको गार्लिक लेना है और गार्लिक की आपको कली यूज करनी है, क्लॉव्स ऑफ गार्लिक, ठीक है, लहसुन की आपको कली यूज करनी है। तो दो कली हम यूज करेंगे, क्लॉव्स ऑफ गार्लिक दो यूज करेंगे हम। तो इनको अच्छे से हमको ले लेना है और छीलना है। तो इसको मैं पील ऑफ कर दूंगी, इसका छिलका निकालने के बाद आती हूँ करेंगे। इसको पील ऑफ कर दिया मैंने और अब इसको काटूंगी मैं। तो मैं इसको कट कर लेती हूँ, ये देखिए मैंने ऐसा कट कर दिया है इसको, को 20-20 से सेंटर से काट दिए, 4 इसके वो हो गए पार्ट्स, 4 पार्ट्स मैंने कर लिए हैं। सॉल्ट लेना है, बाद आपको सॉल्ट यूज करना है। आप ये देख सकते हैं मैंने 1/3 सॉल्ट लिया है, ये मैं इसके लहसुन के ऊपर डाल दूंगी, ठीक है। और कोकोनट ऑयल, आपको कोई भी कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, बट मेरा फेवरेट कोकोनट ऑयल है। आप देखते हैं हर रेमेडी में मैं कोकोनट ऑयल ही डालती हूँ। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ये एड कर लिया है, तो आपको पता चल गया होगा, इसे मिक्स कर लिया है। टाइम दिखा देती हूँ, ये 2 मिनट हो चुका है, ठीक है 3 मिनट हो गया है। पहले मैंने सिर्फ ऑयल में हाथ डाला है और अच्छे से ये देखिए सॉल्ट को ले लिया है, नेल्स के ऊपर रब कर रही हूँ और नेल्स के अंदर भी इस तरह आपको रब करना है। अब इसके तो मैंने ये लहसुन ले लिया है,
लहसुन लेने के बाद आपको क्या करना है, नेल्स के अंदर आपको इस तरह अंदर साइड करना, ये देखिए फट गया बीच से, इस तरह अंदर रस जाना चाहिए, नेल्स का अंदर रस जाएगा तो ये जो अंदर की स्किन है वहां पे वो अंदर की तरफ प्रेस हो जाएगी और उसका रस आपके नेल्स में भर जाएगा। पहले भी मैंने गार्लिक के ऊपर वीडियो बना रखा है और वो अभी 2 मिलियन होने वाला है, उस पे आपने बहुत ज्यादा लाइक किया है, वो फायदा भी हुआ है और ये भी गार्लिक के ऊपर ही है। 1 घंटे में नहीं, सिर्फ आधे घंटे में आपकी नेल ग्रोथ बढ़ने वाली है। और इस गार्लिक को लेके पूरे नेल्स पे, ये देखिए आस पास पे अच्छे से आपको करना है, ये देखिए गार्लिक को लेके ये ऊपर अच्छे से क्यूटिकल्स लाइन के ऊपर कीजिए, बिकॉज यहाँ से आपकी नेल ग्रोथ होती है। और ये देखिए इसका रस निकल रहा है तो बहुत ही अच्छा है, इस तरह आपको करना है। नेल्स कितने छोटे हैं मेरे आपको नजर आ रहे होंगे, नेल्स के ऊपर क्यूटिकल्स लाइन पे अच्छे से कीजिए, ये देखिए, और फिर अंदर साइड इसको मैंने लिया और ये देखिए प्रेस कर दिया, रस अंदर साइड जरूर जाना चाहिए, ये देखिए जैसे रस अंदर साइड जाएगा आपकी नेल्स की स्किन पीछे के साइड जाएगी, आपके नेल्स को बहुत ज्यादा स्पेस मिलेगा और ये देखिए बढ़ने लगा है नेल्स आपके आंखों के सामने, ये देखिए। अभी ये मैं आपको करके दिखाऊंगी आपकी आंखों के सामने, इसे लहसुन को लेके इस साइड अंदर के साइड दबाना, ये देखिए लहसुन को मैंने लिया और ये नेल्स के अंदर कर दिया, इसलिए मेरी आवाज ऐसी आ रही बिकॉज मेरी तबियत नहीं ठीक है। अब मैं इस पे आपको करके दिखाती हूँ, ये देखिए अंदर साइड, देखिए बिल्कुल अंदर साइड प्रेस कर दिया मैंने नेल्स के अंदर, अब ये देखिए हल्के हल्का, ये देखिए नेल्स बढ़ने लगा, अब ये देखिए ये देखिए नेल्स के अंदर मैंने किया, अब ये देखिए आपके सामने नेल्स बढ़ने लगेगा। लहसुन को ही लेके आपको नेल्स के अंदर करना है, ये देखिए अभी आपको नजर आ रहा होगा कितना पहले से बढ़ गया है, ये देखिए। धीरे धीरे कीजिएगा, अपने आप को मार मत लीजिएगा, ब्लड ना निकला है। लहसुन बहुत ही अच्छा है, लहसुन को देखिए रस निकल रहा है और अंदर होना चाहिए, ये देखिए ऐसे इस नेल्स पे करेंगे, देखिए इस तरह, और फिर क्यूटिकल लाइन्स पे कर दीजिए, फिर आपको क्यूटिकल्स लाइन पे मसाज कर देनी। अब इसके अंदर हम करेंगे, ये देखिए स्पेस बनना चाहिए, ये देखिए ऐसे आपको ले लेके अंदर की साइड प्रेस करना है नेल्स के, ये देखिए लहसुन को मैंने अंदर साइड को प्रेस कर दिया है, अब ये देखिए ग्रोथ बढ़ने लगेगा और नेल्स आपका बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। क्या करना है ये मुझे करते हुए 10 मिनट होने वाले हैं, ये देखिए, और इससे आपके नेल्स भी बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएंगे। अंदर की साइड प्रेस करना है, ये देखिए सारा आपको लेके लहसुन को नेल्स के अंदर की साइड करना है, ये देखिए मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ, आप टाइम देख लीजिए इतना टाइम हो चुका है। अब इसके बाद इसमें जिसमें सॉल्ट और ये पेस्ट निकाला था मसाज करने के बाद, ये मैंने वॉर्म वाटर यूज़ किया है, गुनगुना पानी आपको यूज़ करना है, इतना गुनगुना करना है कि आप आराम से अपने नेल्स को उस पर डिप कर सकें, आपको इतना गुनगुना पानी रखना है कि आप अच्छे से नेल्स उस पर डिप कर सकें। ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है, गर्म पानी मतलब हॉट वाटर नहीं यूज़ करना है, गुनगुना पानी मतलब वॉर्म वाटर आपको यूज़ करना है। तो इसमें मैंने कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ जो पेस्ट बनाया था उससे मसाज कर दिए, और मसाज करने के बाद जिस बाउल पे मैंने पेस्ट बनाया था उसी पे मैंने गुनगुना पानी डाल दिया है, कुछ भी मिक्स नहीं किया है। अब ये देखिए 2-3 सेकंड मैंने रखा, अब हम इस पर लेमन ऐड करेंगे। 2-3 सेकंड रखने के बाद तो मैंने ये लेमन ले लिया है, और आपको आधा लेमन यूज़ करना है, ये हाफ लेमन यूज़ किया है, लेमन का रस आपको निचोड़ना है और इसकी ये जो बीज है उसको निकाल देना है। सारा रस निचोड़ने के बाद आपको ये देखिए नेल्स पे इस तरह मसाज करनी है, ये फिर जैसे लहसुन को अंदर हमने किया था ऐसे ही इस जो छिलका दिख रहा है ये लेमन का, इसके ऐसे अंदर साइड आपको प्रेस करना है नेल्स के अंदर,
पहले एक मसाज करके अंदर साइड आपको प्रेस कर देना है इस तरह। ये देखिए मैंने यहाँ पे प्रेस किया, छिलके को अंदर साइड होना चाहिए नेल्स के, ये देखिए सारे नेल्स पे आपको लेके लेमन अंदर साइड प्रेस करना है। प्रेस कर दिया मैंने, अब आपको लेमन इस पे डिप कर देना है। इसको डिप करने के बाद आपको इस तरह ऐसे ही रखना है, 10 मिनट आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। पानी में आपको इसमें लेमन भी ऐड कर दिया और सब कुछ मिक्स कर दिया है अच्छे से। ऐसे हैंड से आप आराम से धीरे धीरे मिक्स कर लीजिए कि आपके हाथ में लेमन और जो लहसुन है, गार्लिक, लेमन, सॉल्ट, वाटर, कोकोनट ऑयल अच्छे से आपके नेल्स पे एब्जॉर्ब हो सके। और आप इस तरह आपको रखना है, मैं 10 मिनट रखती हूँ। टाइमिंग मैं आपको दिखा देती हूँ कितना टाइम हो रहा है, तो मैं 10 मिनट रखूँगी। तो हो चुके हैं, मैंने इसे सिर्फ 5 से 7 मिनट रखा है। ये 5 से 7 मिनट रखे हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट ज़रूर रखना है, इससे बेटर रिजल्ट मिलेगा। मैंने आपको हमेशा बताया कि नेल्स के अंदर की स्किन को आपको अंदर साइड प्रेस कर देना है और उसको निकाल देना, क्यूटिकल्स लाइन को भी अच्छे से क्लीन करना है। ये जो क्यूटिकल्स लाइन है ये आपके नेल्स की ग्रोथ रोक देता है। और नीचे की जब स्किन आपकी जो ये स्किन है नेल से चिपक जाती है तो ये आपके नेल्स को बढ़ने नहीं देती। जब आप इसको क्लीन कर देंगे तो आपके नेल्स बढ़ जाएंगे। जो लोग हमेशा अपने हैंड्स क्लीन करते हैं उनके नेल्स इसीलिए बढ़ जाते हैं। हमेशा मैं बोलती हूँ आप नेल्स की अच्छे से सफाई कीजिए। अभी देखिए कितना हो क्या है, ठीक है। सॉल्ट वाला स्पून था, इससे सॉल्ट ले लेंगे। अच्छे से मसाज करनी है, ये देखिए नेल्स के ऊपर की है। अगर आप कर रहे हैं तो आप सारे हैंड पे कीजिए। अभी देखिए नेल्स, और नेल्स के ऊपर मैं हमेशा बताती हूँ इसलिए कीजिए, नेल्स के ऊपर किस वाइट रहेगी तो आपके हाथ भी बहुत प्यारे लगेंगे, अगर वो वाइट नहीं रहेंगे। ये मैंने कर लिया है, लेंगी ये करने के बाद तो मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ। और मैंने इस हैंड को भी पानी में डुबा के रखा था बिकॉज इससे भी नेल्स बड़े करने थे मुझे। कलर से स्किन को प्रेस करना है, ये देखिए क्यूटिकल्स लाइन को अच्छे से, क्यूटिकल्स लाइन को ये देखिए अच्छे से प्रेस कर देना है। अच्छे से क्यूटिकल्स लाइन को ओपन करना है, ये देखिए, और आसपास की स्किन को भी नीचे साइड करते जाना है। सारे नेल्स को करना है, फिर इसको वॉश कर लेंगे। मैंने आपको सारा प्रोसेस करके दिखा दिया है। आई होप आपको बहुत ही यूजफुल लगा हो वीडियो, सब कुछ समझ में भी आया होगा। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ गाइज, फटाफट जाइए किचन में और इसे फटाफट से ट्राई कीजिए बिकॉज ये 100% आपकी नेल ग्रोथ बढ़ाने वाला है। अगर आप रक्षाबंधन के लिए नेल्स बढ़ाना चाहते हैं तो अभी से एक दिन में से 3 टाइम या 2 टाइम आप कीजिए, ठीक है। जैसे प्रोसेस बताया सेम प्रोसेस आप 2 साढ़े 1 दिन में 2 बार कीजिए, आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। जब रक्षाबंधन आएगा आपके नेल्स पहले से बहुत लॉन्ग हो चुके होंगे। और इस रेमेडी को आप अगर 1 मंथ तक यूज कर लेते तो आपके नेल्स इतने बड़े हो जाएंगे जितने बड़े मेरे नेल्स थे, मैंने आपको वीडियो में दिखाया हुआ है। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ और बहुत दिनों बाद वीडियो लेके आ रही हूँ बिकॉज अभी भी मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मेरा वॉइस आप देख रहे होंगे, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। तो इसको बहुत ज्यादा शेयर कीजिएगा,
वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। वीडियो आपने देख लिया होगा कैसे क्या प्रोसेस करना है। अगर आपको ये कर्ली बाल अच्छे लग रहे हैं तो मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि आप बिना किसी मशीन से कैसे बाल कर्ल कर सकते हैं। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। मेरे हेयर कलर अगर आपको अच्छा लग रहा है, जो हेयर पे मैंने कलर कर रखा है, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगी। और ये कटिंग्स अच्छी लग रही है, ये भी मैंने खुद की है, फ्लिक्स काटे हुए, इसकी भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेकअप से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है, आई मेकअप से भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, रक्षाबंधन आने वाला है, कुछ आप मेकअप परचेज करने वाले हैं और आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगी। आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ तो प्लीज इसे बहुत ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फटाफट कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। तो मैं चलती हूँ।